हेलो एंड वेलकम बैक इन द न्यू व्लॉग जी। सबनू सलाम, सबनू सस्याकार, सबनू नमस्ते। सो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद हम हैं संजय लेक में, संजय झील में इस वक्त। और यहाँ पे जो मौसम है, बारिश वाला मौसम हो रहा है और मैं आ रहा हूँ कॉलेज से। ये रहा मेरा कॉलेज बैग और अभी इफ्तारी करने जाना है करबला रोज़े में, उसके बाद जाना है घर। सो ये व्लॉग हमारा किस टॉपिक पे होगा? इस टॉपिक पे होगा ये व्लॉग हमारा। हमारा आने वाला है मैकबुक एयर M1 आने वाला है, तो उसी के रिकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड जो अनबॉक्सिंग उसकी मुझे करनी है, इसी वीडियो में करूँगा मैं। सो आप लोग को दिखाते हैं पहले संजय झील, उसके बाद दिखाएंगे मैकबुक, जो शायद आज आ सकता है, डिलीवर हो सकता है या कल भी आ सकता है। ओके, तो ये हम बैठे हैं यहाँ खाली जगह में। ये बहुत बड़ी जगह है, ये देखो अभी हम बैठे हैं। हम आपको बहुत अंदर से भी जितना कोशिश करेंगे दिखाएंगे। एंड उसके बाद पुल तक चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पूरा अकेले और वो भी एक घंटा इफ्तारी में बचा है, घूमना पॉसिबल नहीं है। ओके, आज हम कॉलेज से थोड़ा जल्दी निकल गए थे, तो हमने सोचा संजय झील में बैठे हैं, क्योंकि पहले से अभी करबला जाने में कोई नहीं मिलेगा, तो यहाँ थोड़ा ताज़ा हवा खाएँ और अकेले में कुछ अपने साथ भी टाइम बिताएं, जो कि बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ आज ऐसा मौसम भी है कि अकेले में टाइम बिताने वाला बनता है। ये है संजय लेक, जो अभी सूख चुकी है सर्दियों में, और यहाँ ब्यूटीफुल मोमेंट है। पूरा हमारा झंडा जो कि इसमें दिख नहीं रहा होगा पूरा। ये रहा छोटा सा फिटनेस एरिया संजय लेक में, और ये यहाँ का पुल है, और ये फिटनेस एरिया है यहाँ पे, और ये ग्राउंड है। यहाँ बैडमिंटन या क्रिकेट थोड़ा सी जगह खेल सकते हो। वैसे तो बहुत जगह है अंदर जहाँ आप जाके खूब खेल सकते हो। यहाँ भी थोड़ी सी जगह है जो कि बहुत बड़ा है। ये पुल यहाँ पे काफ़ी, संजय झील का रिव्यू करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और वेट करते हैं अपने मैकबुक के लिए जो आएगा, और जिसको इसी व्लॉग में मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। जो आज है कल है कोई भरोसा नहीं है, और जैसा कि बताया है अमेज़ॉन आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है वो, और हो सकता है आज आ जाए, मे भी कल आ जाए, इट्स ओके। बट यहाँ के रिव्यू को अभी करते हैं ख़त्म, क्योंकि मेरी एनर्जी हो गई है एकदम से डाउन, क्योंकि मैं रोज़ा हूँ। ओके, तो मिलते हैं जल्द आपसे अनबॉक्सिंग के टाइम। हाय एंड वेलकम बैक, एंड फाइनली गाइस आवर मैकबुक इज हेयर आ चुका है, जिसकी हम लोग अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, क्योंकि वो डिलीवर हुआ था परसों और वीडियो में बना रहा हूँ आज, क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से लेट हो गया। खैर जो भी हुआ, आ चुका है मैकबुक, और हम आपको दिखाते हैं अपना मैकबुक। सो ये फाइनली स्पेस ग्रे कलर है, जो अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। ओके, तो फिलहाल इसको हम अभी रखते हैं साइड में और देखते हैं इनबॉक्स क्या मिल जाता है। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि मैं अनबॉक्स पहले से 2 दिन पहले से कर चुका हूँ, तो मैंने तड़ोड़ मड़ोड़ के केबल वापस डाला था, इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ पहले। ओके, तो ये केबल मिल जाती है काफ़ी लंबी, सी टाइप केबल मिल जाती है, दोनों तरफ से सी टाइप है। ओके, ये देखिए, ठीक है, इसको रखते हैं साइड में केबल को। एंड तो ये मेन चीज़ इसमें हमें ये देखो, ये है एप्पल लोगो, जिसकी मार्केट में बड़ी वैल्यू है। ओके, और ये जो कोई नहीं पढ़ता है, जो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, जब कोई नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूँ। ओके,
तो ये है फास्ट चार्जिंग चार्जर मैकबुक का, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग चार्जर। ओके, तो बस बॉक्स में इतनी चीज़ मिलती है और एप्पल चार्जर अपने बॉक्स में दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, इसको साइड में रखते हैं। अब फाइनली मैकबुक को, जिसको हम लोग खोल चुके हैं, वापस उसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो ये राइपर हटाते हैं। ये देखिए। ओके, तो फाइनली दूसरी बार राइपर हटाते हुए मैकबुक एयर M1, ये लोड हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ लकी रिजवी आ चुका है लिखा हुआ, जो कि हम पहले से सेटअप कर चुके हैं सारी चीज़ें। ये देखिए, ये हम लोग ने वॉलपेपर किस चीज़ का लगा रखा है, जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग लेंगे। ओके, तो ये है कुछ मैकबुक, और जो मेन हमें दिखाना है, तो मेन चीज़ में मैं जो दिखाना चाहूँगा आपको, ये फुल मेटल बॉडी का आता है और इसमें फ़ैन नहीं है नीचे, आप लोग नोटिस करिए, इसमें फ़ैन नहीं है, प्लेन नीचे का इसका है। ओके, तो ये मेटल बॉडी का आता है और ये M1 चिपसेट के साथ आता है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, और ये मुझे पड़ा है 75,000 का, जिसपे अगर आप HDFC का कार्ड लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड, तो आपको 3500 उसमें वो आपका हो जाएगा, लेस हो जाएगा 3500। ओके, तो चलिए इसके कलर की बात करते हैं, जो काफ़ी प्राइम कलर है स्पेस ग्रे, और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और इस वक्त मेरे पास अवेलेबल एक और कलर है, दिखाते हैं। सो ये है स्पेस ग्रे कलर, एंड ये है सिल्वर कलर, और ये मेरा मैकबुक है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, और ये मेरे दोस्त का मैकबुक है जिसको मैंने कंपेरिजन के लिए उससे लिया है। ओके, तो अब दोनों में कलर डिफरेंस देखिए, ये भी सेम है M1 चिपसेट, एयर M1 है और मेटल बॉडी के साथ आता है, जो काफ़ी अच्छा कलर है ये भी। और ये पसंद पसंद की बात है, आपको स्पेस ग्रे लेना है या सिल्वर लेना है, दोनों ही कलर अच्छे हैं, दोनों ही कलर अच्छे लगते हैं। सो चलिए इसको ओपन करके हम आपको दोनों को दिखाते हैं। तो ये हमारा 256 GB का मतलब लैपटॉप है, इसके बेस वेरिएंट है, और इसकी देखिए मैक्सिमम प्राइस 99,900 रुपीज़ लिखी हुई है, और ये कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना दिया हुआ है, क्योंकि ये असेंबल्ड इन चाइना है, मतलब प्रोडक्ट सारे इसके पार्ट्स बने हैं कैलिफोर्निया में, पर ये असेंबल्ड हुआ है चाइना में, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कहीं। तो इसको हम ओपन करके दिखाते हैं, यानी इसकी स्क्रीन दिखाते हैं आपको, और एक फिंगर से हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, तो सो कुछ ऐसा दिखता है ऑन होने के बाद, और ये है इसका टच पैड, एंड ये कीबोर्ड है, और यहाँ पे आती है फिंगरप्रिंट इसके। ओके, तो कुछ ऐसा दिखता है मैकबुक एयर M1, और जो काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर आप एडिटर हैं एंड कोडिंग करना चाहते हैं, या स्टूडेंट है, तो ये आपके लिए बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सो अब हम आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाएंगे। ओके, तो इसकी साउंड क्वालिटी नो डाउट बहुत बेटर रहती है, एप्पल की साउंड क्वालिटी। सो हम आपको दिखाते हैं। ओके, चेक द साउंड। चलिए इसको यहीं पे करते हैं ख़त्म वीडियो को, और आपसे मिलते हैं जल्द से जल्द नई सी वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टाटा।